इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। भोपाल शहर में ये प्रतिष्ठित मूर्ति प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक राजा भोज की है। राजा भोज के नाम पर एक बहुत जाना पहचाना मुहावरा भी है, कहां राजा भोज और कहां गंगोतेली। सच्चाई और कहानियों दोनों में राजा भोज का एक विशेष स्थान है। कई लोक कथाओं में बताया गया है कि राजा भोज नाम का एक बहुत अकलमंद राजा हुआ करता था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि सच में राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में मालवा पर शासन किया था। ये भी सच है कि भोपाल शहर का नाम भी राजा भोज के नाम पर पड़ा है। 9वीं और 14वीं शताब्दी के बीच मालवा पर परमार राजवंश का शासन था। उनकी राजधानी धार नगरी यानी आज का धार शहर हुआ करता था। धार शहर भोपाल से पूर्व दिशा में लगभग 260 किलोमीटर दूर है। धार शिक्षा और कला का बड़ा केंद्र माना जाता था। धार धातु शिल्प खास तौर से अपनी तलवारों के वजह से भी बहुत मशहूर था। तलवार की धार की वजह से ही इसका नाम धार पड़ा। राजा भोज को ही परमार राजवंश का सबसे महान राजा माना जाता है। राजा भोज ने सन 1010 में सत्ता संभाली थी और भारत के इतिहास में अपनी गहरी छाप छोड़ी। तख्त पर बैठते ही राजा भोज ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार शुरू कर दिया था। इसी वजह से साम्राज्य की दौलत और ताकत में इजाफा होता गया। इसी दौर में धार संस्कृति और शिक्षा का बड़ा केंद्र बन गया। इसी के साथ पड़ोस की महान नगरी उज्जैन के वैभव से इसका मुकाबला शुरू हो गया था। माना जाता है कि राजा भोज ने ही भोजशाला स्थापित की थी, जो तकनीकी शिक्षा संस्था की तरह थी, जहां विज्ञान के सभी विषय पढ़ाए जाते थे। धार का मशहूर लोह स्तंभ, जो आज टूटी फूटी हालत में है, किसी जमाने में ये एक शानदार विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया होगा। माना जाता है कि ये स्तंभ भी राजा भोज ने ही बनवाया था। धार में इस दौर की यही एक निशानी बची है। भोपाल शहर के बाहर जो भोजेश्वर मंदिर है, ये अपने सबसे बड़े शिवलिंग के वजह से जाना जाता है। इससे बड़ा शिवलिंग पूरे देश में एकाध ही होगा। राजा भोज के युग का ये सबसे महान स्मारक है। इस जमाने के शाही दस्तावेज से पता चलता है कि राजा भोज ने भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर बनवाए थे। ऐसा लगता है कि भोजेश्वर मंदिर उनमें से एक है। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण बड़ा शिवलिंग है, जो 7.5 मीटर ऊंचा है। हैरानी की बात यह है कि मंदिर का निर्माण कार्य कभी पूरा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसका असली कारण भी रहस्य बना हुआ है। मंदिर के साथ ही राजा भोज ने भोजपुर नाम का एक शहर भी बसाया था। वहीं एक बड़ी झील भी बनवाई थी, जो बेतवा नदी पर बने 3 बड़े पूर्वी बांधों से घिरी थी। मंदिर के पास ही राजा भोज का महल भी था। बड़े दुख की बात है कि 15वीं शताब्दी में होशंग शाह ने भीमताल नाम की इस बड़ी झील को बर्बाद कर दिया था। अब जो बचा है वो है भोपाल का बड़ा तालाब। कहा जाता है कि ये तालाब भी राजा भोज ने ही बनवाया था, जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि भोपाल भी भोजपाल का बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि भोजपाल नाम का एक शहर राजा भोज ने बसाया था। हालांकि आज इस शहर का कहीं कोई निशान बाकी नहीं है। राजा भोज के तख्त पर बैठने के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष में सन 2011 में राजा भोज की ये प्रतिमा भोपाल के VIP रोड पर स्थापित की गई थी। तब से ही ये प्रतिमा भोपाल की पहचान बन गई है और लोगों को उस राजा की याद दिलाती है जिसने 1000 साल पहले यहाँ राज किया था।